अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज इकबाल जमील फॉर TFD स्पोर्ट्स। काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गिव योर कमेंट्स विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपकी मर्जी आप कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर दें एंड सब्सक्राइब करना, इट्स वेरी वाइटल। टुडे इज अ माइलस्टोन डे फॉर TFD स्पोर्ट्स। विद मी इज एन आइकनिक फिगर, a real great administrator. See behind me the achievements of this gentleman. With me is Arif Ali Khan Abbasi. Thrice ye rahe hain PIA ke chairman, a man who organized 2 world cups, 1987-1996. A great administrator, a real lover of cricket. His services will be remembered in the history. A great man. I'm honored that Abbasi sahab, thank you very much कि आपने मुझे time दिया. I'm really grateful. और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, how do you see today's cricket? आज की cricket और जब आप administrator हुआ करें. नहीं, मैं अपने को compare नहीं करूँगा किसी से, because you can compare yourself to. I feel very humble in front of them. They're much, much too good. नहीं, I'm talking about, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो क्रिकेट आजकल की हो रही है. Well, that's a disaster. हाँ? मतलब in what terms? कैसे आपको लगता है ये? You are selecting today. You are in a position where you are selecting test match team with T20 cricket performances, which is amazing. कमाल की बात है भाई जनाब, अब तक हमने नहीं सुना जो इन्होंने बात किया Abbasi साहब ने. Abbasi साहब, ये आप एडमिनिस्ट्रेटर है, यू हैव बीन होल्डिंग पोजिशन PIA के 3 मरतबा आप MD रहे. उस जमाने में ग्लोरी थी PIA, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. हाँ, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि जो PCB का एडमिनिस्ट्रेटर होना और PIA का एडमिनिस्ट्रेटर होना, दो इंटायरली डिफरेंट फील्ड, आपने कैसे उसको अकोमोडेट किया? You treat it as a game. It's yet another game. If you are tense about it, then your mind freezes up. And you really become too careful, preoccupied with not making a mistake. Okay. Which is the wrong thing in administration. You should be relaxed. And if you treat it as a game, then it is yet another game. One is a difficult game, the other is easier game, comparatively speaking, but then that's all. There's nothing else to it. अच्छा, एक भाई साहब ये बताइए कि आप, यू हैव बीन द मास्टर माइंड बिहाइंड न्यूट्रल अंपायर, आप लेके आए. अब ये DRS सिस्टम आ गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो अंपायर्स की जो अथॉरिटी थी उसको ये चैलेंज करता है? देखिए, व्हेन यू हैव न्यूट्रल अंपायर्स, यू आर नॉट इरोडिंग एनीथिंग. समझे ना आप, न्यूट्रल अंपायर्स हैं, एक एक मुल्क का, एक एक मुल्क का, और डिसीजंस वो ले रहे हैं. मगर जब आप DRS ले आएंगे, थर्ड कंट्री अंपायर ले आएंगे, तो आपने उसने उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली. ये तो बेवकूफ़ी के अरेंजमेंट्स है ना जी. एक साउथ अफ्रीका का है, वो थर्ड अंपायर की क्या जरूरत है? ये दो जो हैं, ये इनको फीस आप क्यों देते हैं? फिर बंद कर दें. सच बात है ना. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बास्टर्डाइजेशन. यू हैव एक्चुअली, just for the sake of making a contribution, you've done this, but this is wrong. Ye nahi karna tha. Aur self respecting umpires like Buckner, wo kabhi nahi refer karte the kisi ko. He used to take his decisions. Third country umpire better hai, magar wo usko refer nahi karta. Ab to wo har cheez ko refer karte hain. तो फिर वो किस वर्ष की दवा है? वो फर्नीचर पीस है. बिल्कुल बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली. यू मेड देम इनटू अनथिंकिंग. यस, टोटम पोल्स, दैट्स ऑल देयर. या ग्रेट ग्रेट. अच्छा भाई साहब, आपने हेल्म ऑफ द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में रहे, व्हेन देयर वाज प्लेयर्स लाइक इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इकबाल कासिम, और ये होते थे. तो इफ यू कंपेयर दैट, उस जमाने के जो प्लेयर्स थे, आज तो कोई जाता है तो क्रिकेटर्स को पहचानता नहीं है. उस जमाने में जब ये लोग जाते थे, शोएब अख्तर वगैरह और इसका नाम क्या, वसीम अकरम, तो लोग एयरपोर्ट पे अराइवल और डिपार्चर पे एक मेला सा लग जाता था.
अब क्या है मतलब ऐसे क्यों है? यही है ना जो मैंने आपको पहले बताया था, अनफॉर्चुनेटली आपका डोमेस्टिक शेड्यूल खत्म कर दिया जाएगा, और वो डोमेस्टिक शेड्यूल ऐसा था कि आपने क्या नहीं जीता। लेकिन नेहरू ट्रॉफी वाज मच मोर डिफिकल्ट टूर्नामेंट देन द वर्ल्ड कप, वो भी आपने जीती। फिर आपने वर्ल्ड कप भी जीते, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, आपने अंडर 19 भी, आपकी टीम 1 और 2 से नीचे नहीं होती थी रैंकिंग में। तो जब वो फॉर्मूला काम कर रहा था तो उसको टिंकर करने की क्या जरूरत थी? और ये अब कुछ समझ में नहीं आता क्या है आप, और जो आपने 600 से लेके ज्यादा प्लेयर्स को महरूम कर दिया एक अर्निंग से, सही है ना? यस। और वो अब रोड पे फिर रहे हैं। यस। तो ये कैसा कंट्रीब्यूशन है आपके लोगों के पेट पर लात मारते? और फिर जो स्पोर्ट्स के इदारे थे वो भी बहुत सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? इसलिए कि रहा ही नहीं कुछ करने को, तो yes. वो लोग भी गए नौकरी से बाहर हो गए। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है? ये तो वही हुआ कि इम्पोर्ट लिस्ट में आपने जो एसेंशियल दवाइयाँ थी वो बंद कर दी, लोग मर रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल, ये कोई doesn't make sense। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल absolutely right। ये import बिल, logic को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब आपने सारी जिंदगी माशाल्लाह decisions लिए, बड़े बड़े decisions, PIA में भी थे और PCBB भी थे। आपको अब you have earned a name, you have got a reputation। वो अल्लाह अल्लाह के अल्लाह का। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आज क्रिकेट का जो डिलेमा हुआ है, अभी PSL का जो डिलेमा हुआ है, इनएक्सक्यूजेबल, तो अगर आज आपको ऑफर किया जाए PCB के चेयरमैन बनने के लिए, तो आप क्या ऑफर लेंगे? नहीं देखिए, आपको पहले तो PCB को लीगलाइज तो करें, अभी तो ये इलीगल अदारा है मेरी किताब में। ये जो पेट्रनशिप है ये तो जनरल बॉडी ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ने दी थी प्रेसिडेंट हाउस के ऑक्यूपेंट को, जो भी हो। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट इमरान के उन्होंने कहा था अपनी स्पीचेस में कि ये नवाज शरीफ ने बहुत गलत काम किया है कि खुद ले ली, ये तो कोई नहीं ले सकता और ये वापस जानी चाहिए टू द पेट्रन, दैट इज द रियल पेट्रन विच इज एनी बॉडी हु जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। ये तो गिफ्ट थोड़ी था, तो डिसीजन था। या। और ये कोई ऐसी टॉय तो है नहीं कि आपने खिलौने से खेलना तो मैं ले जाता। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो लीगलाइज तो करना है पहले, वो तो लीगलाइज करना पड़ेगा। लेकिन माय क्वेश्चन स्टिल रिमेंस अनआंसर्ड कि वेदर यू विल एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ PCB चेयरमैन और नॉट इफ ऑफर्ड। नो। व्हाई? बिकॉज़ इट्स इलीगल। Okay, thank you very much. No, see the great man. See how he says no. लोग सिफारिशें करवाते हैं कि जनाब PCB का चेयरमैन बना दिए। मतलब आरिफ अब्बासी साहब, ऑनरेबल मैन, हैज सेड कि नो। हाँ, दुआ जरूर वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। आरिफ अब्बासी साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इकबाल जमील को अगले हफ्ते तक के लिए TFD स्पोर्ट्स से इजाजत दीजिए। प्लीज give your feedback on this interview. Thank you very much. Assalamu alaikum.